पहले आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करें और सर्च बॉक्स में SNC ऐप लिखें। इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, फिर इस ऐप को ओपन करें। इस विंडो पर यूजर नेम की जगह आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। पासवर्ड में आप अपना सिस वाला पासवर्ड या HRMS वाला पासवर्ड लगाएंगे। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं तो SNC की वेबसाइट पर रजिस्टर होते वक्त जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड यहाँ आप लगाएंगे। यूजर नेम और पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। SNC की वेबसाइट पर रजिस्टर होते वक्त जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ आपको नजर आएगी। हर सब्जेक्ट के नीचे एक पट्टी है जिसके सामने 0% लिखा हुआ है। यहाँ किसी भी सब्जेक्ट की जितने ज्यादा लेसन आप कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ आपकी परसेंटेज उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ अगर इस्लामिया के सब्जेक्ट को ओपन किया जाए तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसमें कंटेक्स्ट के नीचे आपको इस सब्जेक्ट के तमाम टॉपिक्स दिखाए जाएंगे। सबसे पहले कोर्स का ओवरव्यू होगा, फिर पहले चैप्टर की एक्टिविटीज होंगी, फिर दूसरे चैप्टर की एक्टिविटीज होंगी। इसी तरह सो ऑन तमाम चैप्टर्स की एक्टिविटीज तरतीब वाइज दी गई होंगी। कंप्लीशन के पेज पर आपको अपनी तमाम एक्टिविटीज का रिजल्ट मिलेगा। अपने लेसन को शुरू करने के लिए ऑल सेक्शन के इस टाइटल पर क्लिक करें। इस तरह आपके सामने कोर्स का ओवरव्यू आएगा। यहाँ से आप पहले लेसन को सिलेक्ट कर लें। इस तरह इस पहले लेसन की एक्टिविटीज आपके सामने आएंगी। इन एक्टिविटीज में कुछ लिखी हुई टेक्स्ट हो सकती है जिसके एक एक सेंटेंस को आपने अच्छी तरह समझना है और साथ ही उसके नोट्स बनाते जाना है, या कोई वीडियो हो सकती है। उस वीडियो पर क्लिक करके आप वो सारी वीडियो अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके नोट्स बनाते जाएंगे। एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आपको कोई टास्क दिया जाएगा जिसको आप मुकम्मल करेंगे। हो सकता है कि वो चंद MCQs हो। इस तरह पहली एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आप इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे। इसमें भी चंद एक्टिविटीज दी गई होंगी। इसमें से आप पहली एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो कुछ भी दिया जाएगा आप उसको अच्छी तरह से समझने के बाद उसके मुतलका सवाल हल करेंगे। इस तरह आपकी पहली एक्टिविटी मुकम्मल हो जाएगी और इसी तरह तमाम एक्टिविटीज मुकम्मल करने के बाद दूसरे यूनिट पर चले जाएंगे। इसी तरह जितनी एक्टिविटीज आप मुकम्मल करते जाएंगे आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। इस दूसरे पेज में आपको तमाम टेक्स्ट मैसेज दिखाई देंगे। अगर कोई टीचर आपको मैसेज करता है तो वो यहाँ रिसीव होगा, या आप किसी टीचर को मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे। इसके लिए आपने ग्रुप 1 को ओपन करना है। इस ऊपर 3 डॉट्स के निशान पर क्लिक करें और ग्रुप इंफॉर्मेशन में चले जाएं। यहाँ पर आपको अपने ग्रुप टीचर के नाम दिखाई देंगे। जिस टीचर को मैसेज करना है उसके नाम पर क्लिक करें तो इस तरह मैसेज वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपना टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे और इस एरो के निशान पर क्लिक करते ही वो मैसेज मुतलका टीचर की तरफ चला जाएगा। अगर आप इस ऐप से लॉग आउट होना चाहते हैं तो इन लाइन पर क्लिक करें और लॉग आउट पर क्लिक करते ही आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब